एक कंपनी को धोखे से हड़पा, फिर टैक्स की चोरी की, और जब जीएसटी की टीम ने कंपनी पर दबिश दी तो कंपनी मीडिया कर्मियों पर ही भड़क गई, भद्दी गालियां दी, डीआईजी डीजीपी से संबंध बताते हुए जेल भिजवाने की धमकी दी। देखिए आदित्यपुर के परफेक्ट टूलिंग एंड पैकेजिंग कंपनी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। परफेक्ट टूलिंग एंड पैकेजिंग कंपनी का ऑफिस आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है। सुबह में ही इस कंपनी पर जीएसटी की टीम ने दबिश दी। सर्वे शाम तक चलता रहा। जब हमने टीम से बात करनी चाही तो उन्होंने वरीय पदाधिकारियों का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हमारे कमिश्नर साहब जो अथॉरिटी है प्रॉपर कुछ भी बोलने के लिए, तो एकदम से इंद्रामान का कमिश्नर है, वहीं आपको इस पे जो कुछ भी बोलना है बोल पाएंगे। हम लोग अथॉराइज नहीं, हम लोग यहाँ अपना रूटीन काम से आए हैं, तो कृपया काम करने। सर यहाँ क्या क्या हुआ था अभी? तो सर यहाँ क्या क्या ऑफिस में आप जाके, सर अभी यहाँ क्या क्या हुआ सर अथॉरिटी है आप उनसे, सर अभी यहाँ क्या क्या हुआ सर तो बता दीजिए। क्या सर क्या 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 पकड़ा सर? खैर ये उनका गुप्त मामला हो सकता है, लेकिन जरा इन साहब को देखिए, ये परफेक्ट टूलिंग एंड पैकेजिंग कंपनी के कोई अधिकारी है, मीडिया को अपने जूते पर रखने की बात करते हैं। एसपी को गलत इसके लिए, क्या रिपोर्टिंग? आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम कुछ भी हुआ। अपने आप को डीआईजी और डीजीपी से सीधा संबंध बताते हुए चिप पत्रकारिता करने का आरोप लगाती है। सर आपका नाम क्या हुआ? सर आपका नाम क्या हुआ सर? अनिल, दिस इज द गाय, दीज आर द। सर आपका नाम क्या हुआ सर? चीफ जर्नलिस्ट। सर आपके यहाँ सर ऑल लाउजी थिंग्स। साथ ही जेल भेजने की भी धमकी देते हैं। साहब को देखकर ही लगता है कि दाल में बहुत कुछ काला है। हमने कई बार उनका नाम पूछा लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बस हमें धमकाते ही रहे। न्यूज 11 चाहिए, अब हम आपको आने नहीं देंगे। न्यूज 11 सर। सर आप कंपनी में क्या हुआ सर? सर आप कंपनी में क्या हुआ सर? अब कहानी का ट्विस्ट देखिए। जीएसटी की कार्रवाई के बीच कंपनी की असली मालकिन यहां आ धमकी। इनका नाम सिद्धि सिंह है। इस कंपनी का मूल नाम वो जिनको इंडिया बताती है, इसे उन्होंने 2009 में आशा अग्रवाल से खरीदा था। उनके पास सारे कागजात भी है और मकान की गिरवी का पत्र भी है जिसमें कंपनी खरीदने के लिए उन्होंने अपने मकान को गिरवी रख दिया था। नहीं है कि ये कंपनी हमारी थी, इस कंपनी को गलत ढंग से इन लोगों ने खरीदा है। इनका नाम बताएंगे किन लोगों ने आपसे मतलब ये कंपनी हड़प ली है? परफेक्ट टूलिंग एंड पैकेजिंग कंपनी, जिसके पार्टनर्स अनुशील वासुदेव और शहनवाज अहमद है, उन्होंने हमारी कंपनी जिनको इंडिया को हड़प के बैठा हुआ है आईडा के सहयोग से। जी अभी 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 जो आप देख रहे हैं कि ये इनका साफ तौर पे कहना है कि जिनको इंडिया के ही नाम से ये कंपनी शुरुआत में चल रही थी और शायद वही कंपनी थी। देखिए उनकी मालकिन खड़ी है हमारे साथ, सिद्धि सिंह इनका नाम है, और हम लोगों ने जी जिनको इंडिया को इन्होंने ओवरटेक किया था। और सबसे बड़ी बात है कि इनका सीधा तौर पे दावा है कि ये फिलहाल जो कंपनी चल रही है इनसे गलत तरीके से गलत रवैये से हड़प ली गई है कंपनी को। कंपनी की मूल मालकिन आज धूल फांक रही है और फर्जी वाड़ा करने वालों पर जीएसटी की चंगुल में नजर आ रहे हैं। मीडिया को जिस तरह से ये कंपनी धमका रही है, ये बात आपकी भी समझ में आ गई होगी कि इन्होंने किसी कंपनी को किस प्रकार से अपने नाम करवाया होगा। अब देखना होगा कि जीएसटी इस पर क्या कार्रवाई करती है। न्यूज 11 भारत के लिए सरायकेला से सुनील कुमार की रिपोर्ट। सर सर आपका नाम क्या हुआ सर? अभी तो हम लोग कंपनी के अंदर भी नहीं गए सर। जरूरी है, यही लोग हैं जिनको पनिश करना। आपका नाम क्या? सर मेरा नाम सुनील कुमार, न्यूज 11। सुनील कुमार, न्यूज 11 चाहिए, अब हम आपको आने नहीं देंगे। न्यूज 11 सर। सर आप कंपनी में क्या हुआ सर? सर आप कंपनी में क्या हुआ सर? सर सामने आइए सर। और सरायकेला से सीधे सहयोगी सुनील हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, हमने देखा कि कितने दिलेरी से एक तो दूसरों की कंपनी को हड़पे और जिस तरीके से वो मीडिया कर्मियों को, जिस तरीके से आपको वो धमकी दे रहा था, बड़े बड़े अधिकारियों से साठगांठ की बात कर रहा था, क्या कुछ और हुआ था? ऑन रिकॉर्ड तो हमने देखा, लेकिन उसके बाद वहां पर और क्या कुछ हुआ था ये जरा बताएं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोगों ने कंपनी के तरफ रुख किया, जैसे जानकारी मिली कि जीएसटी की टीम कंपनी में, चार सदस्यीय टीम पहले पहुंची थी, बाद में जब उसमें उस कंपनी में और भी घपलाबाजी की अनुशंसा लगी उसको, तो जीएसटी टीम को, तो 10 सदस्यीय टीम को बुला लिया गया। उसके बाद हमने
इसकी जानकारी लेनी चाहिए और कंपनी की भी पक्ष रखनी चाहिए कि कंपनी के जो लोग हैं उनका ये पक्ष जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तो सच्चाई उछन की आई तो सच्चाई में साफ तौर पर समझ में आ गया कि उस कंपनी में जो लोग अभी कंपनी चला रहे हैं वो केवल भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार के ही दम पे कंपनी चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की जो जीएसटी के अधिकारी है वो भी दबी जुबान में बोल दिए कि इस कंपनी में बहुत कुछ मिलना बाकी है, इसलिए आप धैर्य रखें, आप लोगों को जरूर बताई जाएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वो कंपनी करीब 10-12 साल पहले वो कंपनी का नाम जिंको इंडिया के नाम से था और जिंको इंडिया के दो पार्टनर थे, एक पार्टनर आशा अग्रवाल थी और दूसरी सिद्धि सिंह थी, ये दोनों के ही पार्टनरशिप में वो कंपनी थी। उसके बाद किसी कारण से आयडा से कोई बात हुआ जिसका केस अभी भी 10 साल से केस वो चल रहा है हाई कोर्ट में। उसके बाद आयडा की मिली भगत से, जैसा कि पहले जो उसकी मालकिन है सिद्धि सिंह उन्होंने बताया कि आयडा की मिली भगत से उन्होंने आयडा के लोग जो है वो किसी और को दे दिया। उसके बाद से बिना कोर्ट के आदेश के बिना किसी ट्रांसफर के दो लोग जो अभी जो कंपनी चला रहे हैं परफेक्ट टूलिंग एंड पैकेजिंग के नाम से, इसके दो पार्टनर है, एक का नाम है आपका अनुशील वासुदेव और दूसरा शाहनवाज अहमद, ये दोनों ने उस कंपनी को अपने दखल में ले लिया जबरन और उसके बाद उस कंपनी में जबरदस्ती धाक जमाए हुए हैं। जब भी पहली मालकिन वहां जाती है उन्हें धमकाती है, धमकाने का वो लोग काम करते हैं और आयडा भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो बात है आयडा पूर्ण रूप से सुनील है कि जो कंपनी की ओनर थी वो आपके साथ कुछ कहना चाहती हैं? वो ओनर अभी हमारे साथ है लेकिन आयडा के ऊपर भी काफी उन्होंने आरोप लगाया। फिलहाल हमारे साथ सिद्धि सिंह है, इनसे भी जान लेते हैं क्या कहती हैं। सिद्धि जी ये बताइए कि आपने जो अभी तक का जो आपके साथ कंपनी का सफर रहा है क्या क्या दिक्कतें आई हैं आपको? दिक्कत पहले तो मैं बताना चाहूंगी, मैं जिंको इंडिया कंपनी की ओनर हूँ सिद्धि सिंह, और मेरे साथ अभी दिक्कत ये आ रही है कि जब से मैंने ये फॉर्म लिया है आशा अग्रवाल से खरीदा है तब से मैं आयडा से गुहार लगा रही हूँ कि ये मेरा नाम चेंज कर दे, जिंको इंडिया में मेरा नाम करे, दर्ज करे, लेकिन अभी तक ये प्रोसेस हुआ नहीं है। और इसमें एक तीसरी कंपनी जो है, जबकि मैं आयडा की सारी चीज पे कर रही हूँ, लैंड लेवी लाइट स्ट्रीट लाइट सारा चीज मैं पे कर रही हूँ, और इस खरीद बिक्री के बीच में पंजाब नेशनल बैंक आदितपुर ब्रांच सम्मिलित है जिसमें मेरा घर अभी भी मॉर्गेज है, जिंको इंडिया कंपनी का लीज डीड मॉर्गेज है और उसमें अभी लाखों का सीसी अकाउंट है जो बैंक मुझसे रिकवर कर रही है, लेकिन आज तक मेरा नाम इस कंपनी में आयडा की तरफ से दर्ज नहीं कराया गया है। अभी किन कंपनी दी गई है? अभी तो परफेक्ट टूलिंग एंड पैकेजिंग कंपनी उस पर कब्जा करके रह रहे हैं, और उसमें जब मेरा पावर कनेक्शन था मैंने पावर कनेक्शन कटाया तो आयडा के तरफ से वर्षों पहले उनको टेम्पररी कनेक्शन दिलाया गया, और टेम्पररी कनेक्शन जो कि एक दिन दो दिन या ज्यादा से ज्यादा महीने दिन तक की होती है और वो उसको वर्षों से चला रहे हैं, तो इसमें संपूर्ण रूप से आयडा की भागीदारी है। आयडा क्या लगता है आयडा जो है वो इसमें कुछ गलत की है? आयडा सरासर गलत की है, जब मेरे पास सारा पेपर है बैंक की तरफ से उनको सर्टिफिकेट दिया गया है कि ये जिंको इंडिया नाम की कंपनी उनका सिद्धि सिंह का घर मॉर्गेज रखा हुआ है, आशा अग्रवाल ने 2009 में इनको बेच दिया है और अभी भी ये जो लोन अमाउंट है वो सिद्धि सिंह पे कर रही है, फिर भी आयडा इसको काउंट नहीं कर रही है और मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं कर रही है, जिसके लिए हम लोग अब यहाँ से हार चुके हैं, आयडा घूमते घूमते हम थक चुके हैं, अब इसके लिए हम हाईकोर्ट गए हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि क्या और सुना थे कि ये किस तरह से इनसे हड़पा गया है कंपनी को और कैसे आयडा और जो है वर्तमान जो कंपनी के हड़पने वाले लोग हैं वो कैसे अपने दलीलें पेश करके, हालांकि हमने उनसे भी उनका पक्ष जानने के लिए किया लेकिन कल धमकाते मिले कि हमारी डीआईजी आईजी डीजीपी एसपी से डायरेक्ट सोर्स है, आप लोगों को अभी चाहे तो हम जेल भिजवा दें। आप लगातार छानबीन कर रही है, जाहिर तौर पर जिस तरीके से कंपनी को हड़पने का काम किया है उन पर जरूर कार्रवाई होगी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी सिद्धि सिंह के पास मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जानकारी के लिए। La
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।